दोस्तों, अगर आप भी रोज का किसा पिटा सा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरीके से नाश्ता बनाकर देखिए। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी है और घर के बहुत ही बेसिक सामान से बनके तैयार होता है। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये बहुत पसंद आएगा और बनाने में एकदम आसान है। यकीन ना हो तो पूरी रेसिपी देखिए। हेलो दोस्तों, त्रिवेणी पाकशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा चैनल के बारे में फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक कप पोहा। तो पोहा जो भी आपके पास हो, मोटा वाला या पतला वाला, आप उसका इस्तेमाल कर लें। और इसे हमें 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धोना है, क्योंकि पोहा में काफ़ी सारा मैल होता है। तो 2 से 3 बार धोने के बाद इसका पानी सेपरेट कर लें और फिर इसे 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। 10 मिनट बाद पोहा अच्छे से भीग गया है। इसे अब हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी में हम डालेंगे 1 कप खट्टा दही। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो भी आप ये नाश्ता इसी तरह से बनाएं, इसका सॉल्यूशन आगे मैं आपको बता दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही इसमें जाएगा 1 कप पानी। और अब हम इसे मिक्सी में अच्छे तरह से पीस लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर लें और उसी से पूरा नाप लें। बैटर हमारा काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है, इसे हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो ये मीडियम वाली सूजी है जिसे हम उपमा वगैरह बनाते हैं, तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूजी मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे बहुत ही खास चीज़ जिससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो है 1/2 कप चना दाल। दोस्तों, चना दाल को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद ही इसमें डालें। तो यहाँ पर दाल हमने धो ली है और इसे हम मिक्स कर देंगे। दाल की वजह से इस नाश्ते का स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दाल डाल देने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, अब सूजी भी डाल दी हमने, दाल भी डाल दी, तो इन दोनों को अब्सॉर्ब होने के लिए काफ़ी सारा पानी चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 कप पानी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रखें, एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अगर हम शुरुआत में गुठलियाँ नहीं निकालते हैं तो फिर वो एंड तक भी ख़त्म नहीं होती है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएं और इसकी गुठलियाँ निकाल लें। जब आपको लगे कि बैटर अच्छे से तैयार है, तब आप इसे 30 से 40 मिनट के लिए ढककर साइड में रख दें। अब हमने यहाँ पर ली है 1 कप बिल्कुल ताज़ा मेथी की पत्तियाँ। तो इसे हम आगे तैयार करेंगे और इससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। पर अगर आपके पास नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है, आगे इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, मेथी हम सब जानते हैं कि कड़वी होती है, तो इसका कड़वापन कम करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। और नमक डाल देने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जैसे जैसे नमक का पानी बनेगा, मेथी भी अपना कड़वापन छोड़ती जाएगी। तो इसे हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद मेथी जो है काफ़ी अच्छे से अब तैयार हो गई है, गल सी गई है और काफ़ी सारा पानी भी रिलीज़ कर चुकी है। तो आप इस तरीके से इसे निचोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारा पानी नीचे की तरफ आ गया है। तो इस मेथी को हम निचोड़ देंगे, उसके बाद 2 से 3 बार साफ पानी से धोएंगे और फिर इसे बारीक काट लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब हम फिर से बैटर की तरफ चलते हैं। तो बैटर को रखे हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो हमने अभी मेथी काट कर रखी है, सबसे पहले उसी को मिला देंगे। साथ ही अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। दोस्तों, अगर मेथी ज़्यादा ना हो या बिल्कुल भी ना हो तो आप धनिया की मात्रा बढ़ा दें। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। और नमक डाल देने के बाद जो नाश्ता हम बना रहे हैं इसे मॉइस्ट रखने के लिए इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून जितना रिफाइंड ऑयल, या जो भी तेल आप खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस खुशबूदार तेलों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि सरसों मूंगफली वाला। तो तेल डाल देने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, दाल भी काफ़ी अच्छे से फूल गई है और सूजी भी अच्छे से फूल गई है, तो बैटर जो है काफ़ी थिक हो गया है। फिर से हम इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें फिर से डाल देंगे 1/2 कप के करीब दही। दोस्तों, अगर दही खट्टा ना हो तो आप इस दौरान 2 टेबलस्पून नींबू का रस डाल सकते हैं। नींबू अगर नहीं है तो आप इसमें 1/2 छोटी चम्मच नींबू का सज, जिसे टार्टरी एसिड भी कहते हैं, उसे भी डाल सकते हैं। तो इसे अब हम अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पर अब हम दही का भी रेशियो कम करने के लिए 1/2 कप पानी फिर से डाल देंगे और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो टोटल इसमें 1.5 कप पानी और 1.5 कप दही गया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, बिल्कुल ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी, न गाढ़ा न पतला। तो अब हम चलते हैं मोल्ड की तरफ, क्योंकि उसे भी तैयार करना है।
तो मोल्ड को हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मोल्ड का इस्तेमाल किया है 7 इंच का, आप चाहें तो किसी भी थाली या फिर किसी भी स्टील के डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इस बैटर में मिला देंगे इनो, एक सैशे पूरा हमें इसमें मिलाना है। आपको ग्रीन कलर का इनो मिले तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनो नहीं है तो आप उस दौरान 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर या फिर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनो को एक्टिवेट करने के लिए 1 टेबलस्पून पानी डाल दिया और इसे अब हम हल्के हाथों से मिला लेंगे। दोस्तों जब भी आप सोडा या बेकिंग पाउडर या इनो मिलाएं तब मिक्सचर को ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करें, इससे जो फ्लफीनेस है वो कम हो जाती है। तो हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम तुरंत ही इसे इस मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे जो तैयार किया हुआ, और एक तरफ हमने स्टीमर को भी गर्म कर लिया है। तो अब हम इसे 1-2 बार टैप कर लेंगे जिससे कोई भी बड़ा एयर बबल हो तो वो निकल जाए, और अब हम इसे स्टीमर में चढ़ा देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। दोस्तों 25 मिनट बाद इसे हम एक बार खोल के देख लेंगे और ये पूरी तरह से पक गया है। अगर आप देखते हैं कि ये थोड़ा चिपचिपा है तो इसे 5 से 7 मिनट और पका लें। इसे निकालकर पूरी तरह से ठंडा कर लिया और अब हम इसके किनारे लूज कर लेंगे चाकू की मदद से और फ्लिप करके इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट सा हमारा नाश्ता तैयार हुआ है, बहुत ही स्पॉन्जी और झालीदार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आप अपनी पसंद से जैसे भी पीसेस रखना चाहें आराम से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक कटिंग कर रही हूँ जैसा हम ढोकला की करते हैं, ये देखिए। और दोस्तों ये बहुत ही फ्लफी बना है, बहुत ही स्पॉन्जी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो, तेल वगैरह नहीं खाना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पर हम इस एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होने पर इसमें गई है 1 टेबलस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, साथ ही में 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता। आँच को मीडियम रख रखा है पूरे प्रोसेस में। तो जैसे ही ये सभी चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो तब हम इसमें नाश्ते को जो हमने कट किया है जितने पीसेस आ जाए उतने आप डाल दें। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमें इन्हें क्रिस्पी करना है। इसके सभी साइड को आप उलटते पलटते हुए क्रिस्पी करें और 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है, आप चाहें तो स्टीम किया हुआ डायरेक्ट भी खा सकते हैं, इस तरीके से भी खा सकते हैं, और इसे हम और अगर एक्स्ट्रा चटपटा बनाना चाहें तो आगे हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। तो आप 3 तरीकों से इस नाश्ते का मजा ले सकते हैं। इसमें अब जाएगी 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में थोड़ा सा नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। आप चाहें तो इसके बजाय दूसरा कोई भी मसाला डाल सकते हैं। और गैस को बंद कर लेने के बाद इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही झटपट से हमारा ये नाश्ता तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो सर्व करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तो ये लीजिए दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा हेल्दी सा नाश्ता तैयार हो गया है। एक बार आप इसे खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इसे हम गार्निश करेंगे हरी धनिया से, साथ ही आप इसमें कोई भी चटनी या डिप रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी इसे बनाकर अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें। अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाओ पियो और स्वस्थ रहो।